ठीक ठाक हो नमस्ते भाई ठीक ठाक हो ठीक ठाक हो यार अगले नहीं चाहिए हाँ, आ जाने दे। अब मैं कौन सा बोल लगा हाँ विजय भाई पीछे अब एक अरे मैंने को सारे करने हो ना नो बात नहीं बनेगी दोनों आड़ा कम से कम 10 आदमी सीआईडी के बैठे हैं वे सैनी साहब ने बतावेंगे जाके कैसा माहौल था कितना दोस्त था एक बार खड़े हो ये भाई सीआईडी वाले अपने कैमरे अरे हाँ भाई कितने करड़े हो और करड़ा रुका मारो कितने करड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता टेंट में सब बटन तो हंगा लगा बोलो भाई कितने किरणे हो रहा मुख्यमंत्री साहब एक बार आप देखो ध्यान दे भी स्टेट प्रेसिडेंट भाई अपना एक बार बोलेगा फिर मैं बोलूंगा बाकी आप लोग जो जो जोश है वही है मैन महत्वपूर्ण बात वही है तो एक बार अपने अध्यक्ष जी एक बार आ जाओ भाई विजय विजय सबसे पहले राम राम आप सभी ने 2024 परवल की तरफ से फिर विशेष धन्यवाद भाई नवीन जैन जी का जिन्होंने हमें अपना समर्थन दिया हमारे साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिला के हमें पनाह दे रहे हैं अपने नीचे उन सभी का विशेष आभार आप सभी का जो आप सभी इतनी दूर दूर से यहाँ पे आए अपने लिए आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि सरकार हमारी मांगों को जो अब तक 4.5 महीने हो गए हैं मान नहीं पा रही है उसके पीछे जो रीजन है सरकार हमें बंधुआ मजदूर मानती है या तो इनसे 6,000 में काम कराए या इनसे बिल्कुल फ्री में काम कराए क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले सीएससी वालों के साथ किया था कि उनको कुछ दिन पैसे देते उस दिन उसके बाद पैसे देने बंद कर दिए सरकार को ये नहीं पता कि आप लोगों ने जो दो दो टेस्ट लेके इनको भर्ती किया है ये पढ़े लिखे युवा है जिनको आप शोषण करने लाग रहे हो इतना आसान नहीं है इन्हीं लोगों ने आपको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है और इन्हीं लोगों को आप शोषण कर रहे हो रोड पे ठोकर खाने के लिए मजबूर कर रहे हो हम सरकार से बार बार विनती करते रहे हमने झोली पहनाई अपने कोहनी तक हाथ जोड़े साथ में रोड पे बैठे प्रत्येक विधायक प्रत्येक एमपी डीसी एडीसी जो भी सरकार के चुनंदे जो हमारे साथ ये बोलते हैं कि ये सरकार को चलाते हैं सभी के सामने हमने झोली पहना के अपने लिए जो हमारी मांग थी जायज थी वो मांगा था लेकिन सरकार के कानों में चैटी भी नहीं रह गई इसके लिए आज हम सभी को रोहतक में इकट्ठा होना पड़ा ये सरकार चाहती है कि दिखाए उनको कि उनकी वोट बैंक कितनी है जितने हमारे साथी हैं 7500 प्लस ग्रामीण स्तर पे हैं 892 शहरी स्तर पे हैं और 1500 की भर्ती जो इन्होंने और निकाल रखी है
यदि इनकी वोट बैंक की बात की जाए, इनके परिवार की बात की जाए, तो टोटल मिला के 4 लाख प्लस वोट है हमारे पास। सरकार को इसकी औकात पता चलेगी कि जो ये भाई हैं रोड पे आने को मजबूर कर दिए हैं, हरियाणा के कोने कोने प्रत्येक गांव गांव से जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। हमने सरकार से बार बार एक ही डिमांड रखी थी कि हमें टेक्निकल पोस्ट की बराबर सैलरी दे दो। हम 9 से 5 पूरी ईमानदारी के साथ काम करने को राजी हैं। हम चाहते हैं काम करना, हम चाहते हैं जो लोग दर दर भटक रहे हैं उनका सोल्यूशन हो जाए, उनकी समस्या का सोल्यूशन हो जाए। हम ग्रामीण स्तर पर काम करने के लिए एग्री हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि हम 6,000 रुपए में पहले भीख मांगे फिर लोगों के काम करें। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सरकार के जो भी नुमाइंदे CID पर्सन हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं इस सभा को, जो 5,000 लोग यहाँ पे आए हुए हैं और भी साथी आए हुए हैं, उन सभी की ओर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, या तो सरकार हमारी बातों को मान जाए, अन्यथा हम रोड पर बैठने को व्यस्त तो सरकार ने पहले से ही कर दिए हैं। हम साथ में हाथ जोड़ के अब तक विनती कर रहे हैं, आज भी विनती हाथ जोड़ के है, इस सरकार हमारी बातों को मान जाए, अन्यथा इस बात के लिए बिल्कुल मजबूर ना करे कि हम सरकार के विपक्ष आ रहे हैं। विपक्ष आने से हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए झोली फैला के भीख मांग रहे हैं कि हमें टेक्निकल पोस्ट के बराबर सैलरी दे दो, ताकि हम अपने घर राजी खुशी आराम से जाएं और सरकार के लिए भी अच्छा सोचें, ताकि हम सरकार के नुमाइंदे हैं और सरकार के लिए ही सोचने की हमारी कोशिश भी है और सोचते भी अब तक सोचा भी है। यदि सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी फिर हम सभी को फैसला लेना पड़ेगा, तो हम बिल्कुल अभी भी सरकार के पक्ष में, या तो CM साहब या उनका कोई भी प्रतिनिधि हमें रिटर्न में दे दे, लेटर डिपार्टमेंट से दे दे, पंचायत विभाग से दे दे आके कि आपकी लिए लेटर ये है, आपको टेक्निकल पोस्ट के बराबर सैलरी दी जा रही है, तो हम उसी में खुश हैं। हम इसी सभा में ही से इसको धन्यवाद कर देंगे, मुख्यमंत्री जी का भी और संपूर्ण डिपार्टमेंट का भी। लेकिन जब तक वो हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम रोड से नहीं हटेंगे, हमारा बिल्कुल दृढ़ निश्चय है ये 5,000 साथी जो आए हैं ये सभी सरकार के सामने झोली फैला के रोड पे बैठेंगे, तब तक कि हमारी सरकार बातें नहीं मान लाती। अब हम संजीव धोटा जी से बोलेंगे, वो भी 2 शब्द कहें आके अपने। धन्यवाद। राम राम विसारा ने भाई, सब ने पता होगा उस चीज का जिस चीज का अतराधा पा रहे, ठीक है, मैंने बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की, तो बार बार एक बार दोहरावांगे वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। मेन जिस हम खतरा रहे हाँ वो कामयाब बाबा ने लेकर जानी है, मेरी तो मन नहीं आई है, ठीक है। एक वहां पे चलांगे, वहां पे तब तक बैठे रहोगे जब तक अपने हाथ में लेटर नहीं आ लेगा कि हम पक्के हो लिए हाँ, एक बताओ है कि हम जब तक ये नहीं कह देंगे हम पक्के हो लिए, लेटर हाथ में नहीं आ लिया तब तक हम लांगे नहीं उड़ेगा, खाने पीने का तो भूखे मर जावा, ठीक है, चाहे भूखे मर जावा बैठे रहोगे, ठीक है। ये सरकार ने बता दियो भाई, जो भी आ रहे हैं CID वाले या जो भी है, उन्हें स्पष्ट सीधी बता रहे हैं हम, ठीक है। बाकी आप सभी ने सब चीजों बता चले, टेक्निकल पोस्ट की हमने सैलरी चाहिए है, पक्के नियमित जो इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस है वो खत्म करवाना है, 4 महीने 5 महीने बाद ये बतावा कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसी कौन सी सरकार है या कौन से कह लग रहे हैं ये कि 5 महीने बाद पॉलिसी बनावा है, नुका भाई बच्चे हैं उस चीज को लेकर आज अब चल रहे हैं। BJP ऑफिस के आगे चलांगे, वहां पर बैठांगे, ठीक है। और भाइयों बहुत ज्यादा मैं कुछ बोलने के बारे अपना नवीन जैन जी आ रहे हैं, उनसे बोलने का कह रहे हैं। साथियों, जब नवीन जैन जी हमारे साथ खुलकर आ रहे हैं और तो हम भी इनके साथ खुलकर हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये जो भी हमें आदेश देंगे हम सभी उसका पालन करेंगे। जैसे बोल देंगे, इन्होंने कह दिया कि रोड पे बैठना तो बैठना है, इन्होंने कह दिया खड़ा होना तो खड़ा होना है, जो इनका आदेश है हाथ जोड़कर हम इनका समर्थन करते हैं बिल्कुल, और सर से बोलते हैं कि अपनी बात रखें।
एक बार सारे के सारे साथी अच्छा उठे, अपने अपने फोन में फेसबुक चला लियो, फेसबुक लाइव कर दो आप अपने फोन पे, सारे के सारे चीज पे इंस्टा इंस्टा लाइव कर दो एक बार, ताकि फिर भाई साहब आओगे और सारे पर फोन ऊपर कर लो, पर सारे फेसबुक लाइव खोल कर, एक भी साथी ऐसा नहीं होना चाहिए आपके अपने खुद की आईडी थे, फेसबुक लाइव चला दो। अभी आपके बीच में नवीन जयहन जी, राम राम भाई सारे ने, अरे राम राम रुका मारे गलो नो थोड़ी रहा भाई, मेरे तेन का है भाई, जो भाई का आदेश होगा वो करेंगे, तो भाई आपा है आर पार के आदमी, सीधी बात गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही, आर पार ने कितने तैयार होनी बताओ, बंद मुट्ठी बंद करके रुका मारेगा बताओ, आओ सारे भाई देखो आप सब कर्मचारी हो, लेकिन मैंने कहो ऐसे कर्मचारी ना कच्चे ना पक्के ना कॉन्ट्रैक्ट ना घर के ना बाहर के, वो सुनिए तुमने वो के नाम तो उसका हरणा कश्यप, ना दिन में मरू ना रात में मरू ना बाहर मरू ना भीतर मरू, तो भाई तुम हो भूत कर्मचारी भाई, ये भाई कह रहे हैं अगर भाई मैं भी किसी पार्टी का तो हूं नहीं, लेकिन न्यू बताओ मैं अभी देख रहा था आ रही थी बोले आचार संहिता, जय हरियाणा में आचार संहिता आज लग गई तो थारे डरता लग गई, पहली बात आ सुनो क्योंकि इन्हें न्यू मेरा है अकमा मलाई हमारे हाथ में आ गया, तो इनको पता है कि बच्चा का नहीं कुछ, और से कोई पक्ष और से विपक्ष हो भाई, मुख्यमंत्री सैनी साहब सुन लो अच्छी तरह जानते हैं, और हुड्डा साहब विपक्ष के नेता सुन ले जानते हैं, या सरकार बैठी है इन्हू देख लो किसने बनानी है किसने नहीं बनानी, अरे इतना मुंडा जुलम रहा है, 6,000 रुपये अरे 70 करोड़ रुपए खा गए, कितने 1,000 रुपए ले रखे ना ले रखे, अरे बताओ ले रखे नहीं ले रखे, अरे हमारे 70 करोड़ खा गई सरकार, और तनखा दे और क्या टैक्स लिए रहे कह लिए, इस सरकार का एक भी आदमी उनको ऐसे भी टेस्ट ना पास कर दे तो हम अपनी मांग छोड़ देंगे, अरे भाई फिर क्या है, अगली बात सुनो, मेरे तजर्बे सरुमा है मेरे भाई बताई, सारे पार्टी आना दौड़ रहे एमएलए एमपिया दौड़ सब दौड़ हंड आए हो, तो सैनी साहब ऐसा है घोषणा वोषणा जो करो हो, या जो घोषणा इनकी जो असली करनी है भाई, या तो आचार संहिता लग गए भी 3 बजे लग गई, बता थोड़ा टाइम है कि नहीं है, और सीआईडी वाले डायरेक्ट अपना लाइव करते हैं, जिसने लाइव करना सैनी साहब ने टैग करके सारे टैग कर दो, 3 बजे तक का टाइम है, तो इसलिए भाई सैनी साहब मुख्यमंत्री साहब गणी को फिर आप लोग को इन का बड़ा घना भूडा बोल रहे हो, मना भूडे तो मतलब नहीं है भाई, दुखिया रे आदमी आ रहे हैं, के तो घोषणा करते सैनी साहब मुख्यमंत्री, अरे नहीं तो तेरी सरकार ने खा जाएंगे देख लिया, अरे ये भाई क्या रहा बना, ये 5,000 आ रहे 5,000 को ना तुम्हें, एक मिनट 5 लाख कम तक कम हो 5 लाख, और तुम एक आदमी 1,000 के बराबर हो, ध्यान रख लो, क्यों जो फैमिली आईडी के नाम पर तुम लागे इसे बुला के देना, तो
सरकार के फूफा को तो जानते ही होंगे दादा दुलचंद को। जब फैमिली आईडी था वो डिप्रेशन थे, हमने आंदोलन करा उसकी वजह से। देखो हमने के बिना था के ईशा रोजगार पैदा हुआ, अर्जुन के बेचारे की तनख्वाह से अच्छा था। अरे अगर पूरी दुनिया में कितने भी 6000 रुपये तनख्वाह है, अरे भाई मुख्यमंत्री साहब पूरी सरकार भाई 6000 छोड़े, हम तो हमने रखा है 60000 रुपये महीना तनख्वाह पा जाओ हमारे नाम। न्यूजों में आग्रह है आज जाएंगे रिश्ते हुए वो चोरी वाले नुका है, अब तो मैंने भी सरकारी लग रहा है। सैलरी सलामा में कितने दवे तब ना कहीं 60000 मिल लेंगे, ये 6000 मिलने हैं। एलसीएल तो फ्री में कर रहे हैं। अरे एलसीएल वाले सीपीएल ने तो मिलने हैं 6000, वो भी नहीं आ रहे। एलसीएल लो बेचारे, एलसीएल लो ने तो कुछ नहीं मिला है। कमीशन बताओ भाई 30 रुपया आया, 30 रुपया। आपने नहीं दे रहा हो मुख्यमंत्री साहब, भाई साहब मुख्यमंत्री है सज्जन दज्जन में रोज के 10000 रुपये लाके ना मेरा उधर रोज के। तो इतना अन्याय इतना अनर्थ, और आप लोगों ने लोगों के बीच में गए। लोगों एक काम करो, इसलिए एक आदमी बहुत भारा पड़ेगा सरकार के। तो मैं तो यह आप लोगों से पूछो भाई थारा सही बताइयो, देखो मेरी गल धोखाधड़ी ना करियो, मैं बताऊ कि लड़ाई लड़ना कितने तैयार हो, कितने करनी रे। अरे भाई सुनो भाई, आचार संहिता अगर लग भी गई, क्योंकि आचार संहिता की बात है, कोई हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ये जितने भी एमएलए बनाएंगे ना, जितने भी चुनाव लड़ेंगे, जिनके मुंह तय न्यू नहीं लगड़ा, सीपीएलओ एलसीएलओ ने पक्के करेंगे, पूरी तनख्वाह देंगे भाई साहब से, कोई किसी पार्टी आओ उसके खिलाफ झंडे ठाने पड़ेंगे। गलत बात तो नहीं है। फिर अपन मान लो ये भी चुनाव लड़ेंगे, अपना भी चुनाव हो जाएगा, फिर एक महीने का इधर होगा घना थोड़ी है, हर पार तो यार भाई, हर कोई भेदभाव, हम किसी का कोई भेदभाव नहीं कर रहे भाई। विपक्ष वाले हैं, जब चुनाव लड़ाई जब चुनाव शुरू हो जाएगा वे कह दियो अक्ति पक्के करेंगे, रिया तनख्वाह लग के दे दियो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं उनके नचले जाइयो भाई। गलत बात तो नहीं है, सरकार कह दो, सरकार क्या नचले जाइयो, मरना कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता नहीं करा तो इसने वोट दियो और उसने ना दियो, लेकिन जो नहीं मानेगा उसका नाश पक्का करेंगे, याद आना। नाश करते हुए नहीं करते हुए जो भी पार्टी जो भी विधायक है सीपीएल और एलसीएल गल नहीं होगा, उन्हें कतीनो बुड़क्या दिखा जाएंगे। मजाक ना मारे इस बात ने, मन ने फिर सारे हरियाणा में लठ लेके घूमूंगा मैं। देखो लड़ाई जब लड़ी जाना उसमें फिर नहीं देखा जा रहा है, इबे इबी नस्त हो रहा है, थारा की हो रहा है बताओ। हाँ और यार सुनियो रे, सारे चुनाव लड़ने वाले एमपी जो भी है कति खड़ा नाश करेंगे भाई, और मरता विकास हो जाए ना हो सर। ये इतनी अड़महिला बैठी है, मन ने मेरा हना सासू के तन नहीं देती होगी, नहीं रहे सच बुलाई हो, वह भी होया होगा सासू जो अच्छी होगी नौकरी लागी लूगी भू आ गई।
न्यू के मेरा ना कमाऊं 6000 रुपए लाऊंगे भी 3-3 महीने में इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है सासू ससुराल दोनों जीव है तो वे इन तेन को है जितने तू सब काम करके ला इतने घर बैठे ले ये उस दिन आए थे मेरे तो रहे बालक कई नोले भाई साहब रास्ता टूट गया साची बात है नहीं हुआ किसा का दम टक रहा है ये भाई सब तो रंडा रहा खट्टर साहब भी रहा सीएम बन नहीं सकता अनिल विज की रहा को गृह मंत्री बन नहीं सकता वही सारी रंडे रह गए और इस तरह बड़ी आता भाई और नुका आ रहा ना भाई पेंशन है जो थी भाई मारी वो एक मरता कह था बोला भाई साहब ये सफाई क्रम सारी लाई उनकी भी 18-18 पीस पीस 19,000 अरे डीसी रेट भी 14-15 आज स्किल्ड का हम तक कंप्यूटर आ गए अच्छा ये बात हो भाई पक्के कर दिया घोषणा करा बढ़िया बात हमने कोई प्रॉब्लम नहीं सब ने पक्के करो अच्छी बात हमारी भी डिमांड रही लेकिन यार जिनने पूरा प्रोसेस फॉलो कर रखा है जो पूरे भाई पूरे प्रोसेस तय तय होना तो कोई उठाई गए तो हो नहीं गए एकदम आग लगा दिए तो नेगेटिव मार्किंग भी थी उसके बावजूद आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है और भाई मैं एक बात कह रहा हूं अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होया इसे प्रोसेस नहीं लड़ी जाऊंगी इसलिए आज आचार संहिता मन ने तो लाग भी को ना लाग गई मेरे को तो थोड़ा हर डाउट है लेकिन भाई आचार संहिता लाग गई तो भाई फिर इनका न्यारा चुनाव होगा और अपना न्यारा चुनाव होगा न्यारा चुनाव का मतलब अपने चुनाव ना लड़ना मैंने ना कहता मन अगर लड़ना भी पड़ गया ना चाहे कोई सी भी पार्टी दिखे कल तुमने वो बीजेपी में रह गए बीजेपी में चला जाऊंगा जब भी कराऊंगा कांग्रेस में चला जाऊंगा जब भी कराऊंगा कोई सी नहीं जाऊंगा तो पता कराऊंगा आपने तो भाई झूठ झाट नहीं बोल लेता अगर सीधी बात है मैं तो क्या लग रहा बीजेपी कांग्रेस में चला जाऊंगा तो उसका थोड़ा लेट हो जा 2-3 महीने लग जा मैं कितने नहीं जाऊंगा तो थारा काम गणा तक हजे तक करवाऊंगा लेकिन तुम साथ दे दियो भाई उल्टे ना दियो फिर ये जो जितने भी इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है ना इनकी जितने लिए आ रही उड़ा बड़ा प्रमा अपनी हुए आ रही क्या रोग नहीं ये पत्थले 8वीं ठारे भाई अपने आसपास देखो कोई किसी पार्टी के आदमी नहीं हरे हड़े हैं तो भाई सुने इतना जोश ये मीडिया के पत्रकार साथी है कि तो भाई देखे है तुमने अरे मैं वो पूछूं भाई चलो भाई तो पत्रकार हैं इतना जोश थे ये रैली में सारी पार्टियां रैलियों हैं पूरी की पूरी बोतल प्याद है जब भी नहीं है आने पर पीगा नहीं आ रहा भाई हाथ है भाई हाथ ला दो पीगा रह गए कोई अरे पेड़ की तरह इन दियो ना दे तारी का तनखा एक के दिन के पेड़ में जाओगी सारी भाई ये खुश तो मैं इसलिए आप लोगों का हौसला तो मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ दुखी नहीं होना है क्योंकि आजकल 20,000 की समस्या मेंटली परेशानी कोई डिप्रेशन में चले जा किसी ने ताने सुनने पड़े लेकिन मैं आप लोगों से ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों आख हिम्मत नहीं हारनी है लड़ाई लड़नी है और मैं 100% ये गारंटी देता हूं अगर ताकत लगा गए ईमानदारी का लड़ाई लड़ती ना के सरकार का सौदा यार कति रगड़ देंगे गिरगपति कसूती एक महीना में सच्ची बताऊं मैं करता है भगवान कसम भाई कहते सारे के सारे जेल में पाओगे आप यार हो जेल में जाने आठ ठाकर देखो सैनी साहब मुख्यमंत्री देखे तो भाई कितने जेल में जाने तैयार हो रहे हैं आठ ठाकर रुका मारेगा बताओ भाई कहता है
ये तो जेल में जाओगे भाई है ना। तू तो मैं आवाज दो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अपने हक के लिए अपने अधिकार के लड़ रहे हैं। मैं किसी भी आंदोलन में खामखा कभी नहीं जाता ना, मैं कभी स्वीकार कर रहा हूँ बीस साल की चीज चले आ रहा है। लेकिन आप लोगों का बिल्कुल जेन्युइन इशू है, जेन्युइन मुद्दा है। और जो ये कह रहे थे आगे गए थे सीएम साहब तो रहे, सीएम साहब ने बोला छाती वर्दी के बताओ हनुमान की छाती ले रहा भाई। बोला छाती वर्दी छाती धूल जावे सा काम करना है। हमने कही भाई सीएम साहब आपका आज प्रोग्राम होना था, कैंसिल कर गया। भंडारे की हमने कह दी, कई दिन गई सब आगे अगवा भंडारा करेंगे, काम करते लड्डू खवाओगे, अरमी पैसे लठ मार लियो लठ खा लेंगे। इवन की मत लठ मारने की भी हम जनता ने जाता है ना, मारो लठे वो ना लठ ना मार सकते भी। तो इसलिए मैं आप सबसे यही विनती करूंगा, अब कोई भी पार्टी किससे कोई भी हो, अपन नहीं देखनी कोई पार्टी कुटी के मामला है, अपन देखनी अपनी डिमांड भैया डिमांड है, सही बात है ना। तो भाई आड़े से चाहे मोदी की रैली होली और चाहे राहुल गांधी की होली और चाहे किसी की होली हो, उससे दिन अपनी भी रैली हो आ करेगी फिर देख, ठीक है ना। यू थोड़ी अरे अरे कोई विपक्ष वाला भी हमारे लग के दियो बात है पेट नहीं भरे, हम नहीं मानते कभी झूठ बोलो, गलत बात नहीं भाई, पक्की बात है, पक्के वाला काम हो किसा तो करियो भाई, और नहीं तो आप सड़क पे है। और हम सड़क पे आ लिए ना भाई तो तुम नभी फिर सड़क पे लाओगे सीधी बात, ठीक है भाई। तो भाई टाइम हो लिया है और हाँ या बात भी, अरे ये जोड़ साहब ये अधिकारी रहे सुन लियो, इन एज अ टर्मिनेटर सस्पेंड की धमकी देता पाया था, छोटा नहीं जाएगा घर रख लियो, तो चक्रा कोई एफ आई आर कदे कोई दुखी करते हैं इन मेरे धरने प्रदर्शन करने वाले नाम मोटर भी बांधे अगर फिर ध्यान रख लियो, कदे कोई न्यू मानने के छह धारा रहे हैं ये लेफ्टिनेंट ला रखे है तुमने अगले चल पर भी नेता होगी ये ला रखे है भाई तकी शाहबाद वालों को तो पांच को खुला के बोल लगे कि तुम्हें रस्टिकेट कर देंगे आज। अच्छा सुन ले भाई शाहबाद वाला अधिकारी कौन है वो और किस किस ने बोला है सिरसा और भाई सुनो एक भी है ध्यान रखना लेकिन एक भी अपने सीपीएलओ एलसीएलओ एक के भी साथ अगर कुछ न्याय होगा मन ना बोल दियो भाई मैं सब पहले पाऊंगा फिर तुमने सब ने उड़े आना पड़ेगा। हम देखेंगे इनने धमकी देनी है ना, अरे तुम इसी धमकी दो तुम तनख्वाही दे दो ना पूरी। अरे मुख्यमंत्री साहब सुन लिए एक भी कर्मचारी के अगर कुछ भी गड़बड़ कर दी ना छोड़ देंगे नहीं, सीधी बात बताओ है हमारे को तो नाश करण पे अर्जुन के हाथ पल्ला कुछ नहीं आ रहा ना वे दूसरे ने भी बेरुसाए कर लिया आ रहे बता के क्या ये शर्म नहीं आती तुमने, ये जो तनखा लो हो तुम्हें इनके शोषण करो बड़का ने धमकी दो काम होना चाहिए यो अल भाई हम थरी गल्ला है शाम नहीं आ सकते तो पाछे है अच्छा 9 से 5 की ड्यूटी करो छह हजार में अभी तनख्वाह काटे बताओ है भाई है? सुनो भाई एक और चीज फोन भी थारे नेट भी थारा तेल भी थारा एक काम और करो तुम ही वे ये सरकार ने तनख्वाह और देने लग जाओ
जी मरे आए अगला 70 करोड़ सरकार ब्याज कितना बढ़ जाए 1% लग लाओ तो भाई 70 लाख अरे 1 साल हो गया थारा खाए 9 महीने हो गए ना। तो इसलिए मेरे भाइयों मैं तो आप लोगों का यहाँ बात कहूं, देखो आप ने ये तय कर लिया है आपके आंदोलन करेंगे अपने आप के लिए, करोगे भाई? अरे अगली बार अब आगे तय अपने यार दोस्त रिश्तेदार सब गले लेकर यार हो कि नहीं हो? अरे जो दुख में साधना क्या का दोस्त क्या का यार क्या ही रिश्तेदारी भाई है? अरे ये जितने भी हैं कुंवारे हैं ये तो खैर किसने लाओगे, लेकिन रांडा बतेरे रांडा ने लिया करोगे ले था। अरे जो ब्याह हो रहा है जिनका वो अपनी भगवान का गला लेकर करो। अर्जुन महिलाओं का ब्याह हो रहा है वे अपने पतिया ने लेकर आया करो, गलत बात तो नहीं है भाई? पति पत्नी हाँ नो जगरियो बालक में डरे हैं नो, ताली बजाओ भाई इन ताई। तो मेरे भाई और जितने भी आपके जानकार किसी पार्टी का कोई नेता है किसी का कोई कार्यकर्ता है जितनी भी पार्टियों के इनके अध्यक्ष हैं या जो भी नेता हैं कोई भी फेसबुक ट्विटर पर पोस्ट डालो सब ने इन्हें टैग कराया। अब बोलो भाई बता समझो हो हर उसमें सब ने जो भी पार्टियां मैंने मैंने सब ने पकड़ा कोई ना वे ब्लॉक कर दे जब वोट का टाइम होगा आप ब्लॉक कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी कोशिश यही करे यार सब ने लपेटा ठीक है ना। और भाई मैं तो इतनी कहूंगा आपका जोश देख कर मैंने पक्की जचगी अब की बार भयंकर युद्ध होगा चिंता मत करो कभी कर लोगे ना रूप का मारेगा बताओ कर लोगे ना अपने क्या दिन जो 1 महीने की छुट्टी मारे के चालू बन है ना 1 महीने की छुट्टी नौकरी कोई ना कोई ना कोई दानी पकड़ लेंगे आप आने पूरी और ये भंडारे नरे ला गए कह देंगे किसी न किसी ने ला दो मारा ये भंडारा। तो इसलिए सारे कर्मचारियां ताई अपने आप को ये फील करो कि मां भारत हो गया है और सबका अपना अपना रोल है। आजादी दिवस है अरे आजादी दिवस है अरे 6000 रुपये भगत सिंह के सोचता होगा सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद यार उनने सोचो तुम थे झांसी की रानी उनने बलिदान दिया तो भाई वे भी न्यू गेनू चले गए थे न्यू माने का चलो भाई आप भी वो ही काम करेंगे ठीक है मेरे भाइयों। और ये इसलिए अगर भाई आप जा रहे हैं अब बीजेपी का राज्य कार्यालय ठीक है भाई कहते हैं लट खवा दियो के लाडू खवा दियो क्योंकि वह एक हमने एक बार बेरोजगार ही बरात काटी थी और वो जब बेरोजगार बरात राम नहीं डट्या रहे राम है जब है नहीं करेगा पहले बीच में डट्या रहे फिर चा पाड़ी का प्रोग्राम है आ रहे दौड़े 500 पुलिस वाले पागे नवले आ जा बोला चा पकौड़े खवाओगे मां देखी जाएगी भाई लेकिन न्यो है मान तान तक करी को ना थी 50,000 वैकेंसी काटनी पड़ी थी इनमें। तो इसलिए भाई ये ऑफिस जो है नया नया ऑफिस बनाया है और ये जो उड़ा कहिया थे मेरी बात इन्हें बोले यार हम तरस जाए कोई आता है कोई ना प्रदर्शन करना है आज पूरी इच्छा पूरी करेंगे भाई इतना आज तक इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ होगा है अरे चुनाव ही निकाले दे चलना है दोनों ये चुनाव रोज तक चलने हैं अपने आप जीत बैठे है ना आड़े 1 किलोमीटर प्रेरण जाओगे उड़ा उड़ा साहब की कोठी है
या इनकी रिहाड़ है कोठी होगी अभी, ठीक है ना। दोनों आगे ऑफिस रोहतक में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भेदभाव नहीं रखा है किसी के साथ, एक दिन उस धोरे एक दिन उस धोरे, ठीक है ना। जो मान जाएगा मानो भाई, लग के दो आओ क्या गए, हमने कोई मतलब नहीं किसी राजनीति से, हमें मतलब है हमारे काम पे। भाई तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँ हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल सैनी साहब को, अरे कमेंट यार एक नाम में टू इन वन कर दिया और कैसा हो। अरे वैसे भी गुरु चलना हमें वो नहीं करता, गुरु चले आके ऐसे देखे था गुरु ऐसे देखे चिल्ला, तो हम तो बस गुरु चले दोनों वहीं से बोल देंगे हमारा काम करते है ना। इतना अच्छा हाँ यह बात है, लगता है यहाँ पे एक आधा सैनी साहब का आदमी आ रहा है। मेरे भाई साहब सैनी साहब तो वैसे बीच में फंस गए भैया, नीमून भी हो लिया अपना भैया, बात अपना हरियाणा में नीमून पे कितने दिन से आ रहा आदमी। गणेश जिसके रखिए है किले है मुश्किल है, तो 15-20 दिन जा रहा, 3 महीने हो लिया नीमून मनाते दही वे पहले नु बुला के भाई उड़ा मेरी आचार से डाला की हिमसे या और लग गई थे फिर नु कह देगा, तो इसलिए 3 बजे तक का टाइम है। उड़ा साहब आपके पास भी टाइम है आके और को पक्का यो काम करूंगा, जब मानना है ना आप नहीं मान किससे की भी सिद्ध, ठीक है भाई। आप आते आग खा लो बताओ, आग खा गए मुट्ठी बंद करके दिखाओ, तैयार हो सारे देर जाने से तैयार हो, तनखा बढ़नी चाहिए पक्के होने चाहिए, पक्के होने चाहिए सुन लियो इस तरह कुछ नरीब, जो महिलाएं हैं वे चलेंगी आगे आराम से चलना है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, 500 मीटर दूर है हरे देखता भी होगा कति आराम से कति डिसिप्लिन ते। एक चीज का और ध्यान रखियो, चुनाव का टाइम है इस चीज का ध्यान रखियो, कई डाल के आदमी आ रहा गड़बड़ करनी, अभी पूरी डिसिप्लिन से पूरे तरीके से नारे लाने हैं, आगे चाल के उड़ा बैठना है, उड़े ने हटना नहीं है। 3 बजे ताई गाते हुए भी बेरा पट्टा गापन है, 3 बजे पास जो फिर देख लेंगे, उड़े रहना है किसी ने जाना नहीं है, ध्यान रखो ना बताओ पहले बता दियो मैंने अगले पास लूगा जो आज के बार है, आज शुक्र है वो भी सैटरडे संडे की तो वैसे भी छुट्टी बना ली जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 बजे बेरा भी पार्ट जा, देखो आचार संहिता लग गई तो फिर तैयार मीनू कहते हम कुछ नहीं कर सकते, फिर अपना दूसरा प्लान होगा, आज आचार संहिता नहीं लगी आज फिर अपना दूसरा प्लान, फिर उड़े तो अपने हटना नहीं है, पक्की बात है। अरे पक्की बात है कि नहीं है, आचार संहिता लग गई तो अपना दूसरा प्लान होगा, उड़े बैठ के बना लेंगे, अर्जा नहीं लगी उड़े ही बैठेंगे भाई, ठीक है ना। बंदोबस्त करके आ रहे जी, पूरा महीना बैठना पड़ो, बस 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 इसी है छोरे बस आठ आई हो रहे माँ की सुखा का आठ हो, ये निठारी कुछ बीच में नुगा दो माँ की सुनाई अटेंगे नहीं उड़ेगा गणी नहीं कहता मैं, तो इधर गया तुम्हारे तुम्हारे ताई की गो लेगा तुम्हारे ताई सारा खेले
पक्का भाई है तो आता ही कमान गए ना आचार संहिता अर्पण की उड़े बैठ के जो आपका आपन आपका करना है वो भी प्लान बना लेंगे ठीक है भाई और नहीं उड़े बैठे महिला यहाँ पे चलेंगे और सारे भाइयों ने गला चलना ठीक है भाई चलो भाई खड़े हो जाओ भाई दोनों हाथों में खड़े हो गए रुका मार दो सैनी साहब ने सुन जा मारो दोनों हाथ आ गए फिर रुका चलो भाई चलो नहीं पहले डीजे चलेगा क्या क्या डीजे चलेगा उसके पीछे मेरी माता है मैंने उसके बाद फिर सारे साथी एक पहले माताओं बहनों को आगे जाने दो भाई डीजे अपने भाई साहब और स्टेट प्रधान और फिर उसके बाद माताएं और उसके बाद फिर सारे साथी और एक ब्लॉक वाइज इकट्ठे चल लेंगे भाई सारे के सारे आप अपने डिस्ट्रिक्ट के वाइज सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चलेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ इकट्ठे हो लो पहला डीजे फिर भाई साहब और आपकी स्टेट टीम और उसके बाद फिर महिलाएं और फिर बाघ वाले भाई बाघ वाले सारे के सारे बाहर आ जाओ ये आप सभी का अपनी लड़ाई के लिए आंदोलन है कोई भी भाई पीछे न रहे जितने भाई है पीछे बाघ में है ये पेड़ों के नीचे यदि भाई बाहर आ गए हैं और सारे के सारे अनुशासन के साथ अपनी मांगे मनवा करके और अपने घर जाने का 2 दिन लगे 4 दिन लगे यहाँ पर जब तक अपनी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तब तक हम यही रुकेंगे सारे के सारे साथी आराम आराम से पूरे दे देंगे अरे कौन जो भाई साथियों सारा ना मसला है ये जितने हमारे साथी कल ने महिला साथियों को आगे आने दे हेलो हेलो जिंदाबाद जिंदाबाद सीपीएलओ एल
सी येलो जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं का शोषण करना बंद करो युवाओं का शोषण करना बंद करो युवाओं का शोषण करना बंद करो सीपीएलओ एलसीएलओ सीपीएलओ एलसीएलओ सीपीएलओ एलसीएलओ युवाओं का शोषण करना बंद करो बंद करो युवाओं का शोषण करना सैनी सरकार होश में आओ सैनी सरकार सैनी सरकार सैनी सरकार सीपीएलओ एनसीएलओ सीपीएलओ एनसीएलओ सीपीएलओ एनसीएलओ सीपीएलओ एनसीएलओ युवाओं का शोषण करना युवाओं का शोषण करना पढ़े लिखे युवाओं का शोषण करना पढ़े लिखे युवाओं का शोषण करना बंद करो युवाओं का शोषण करना बंद करो युवाओं का शोषण करना बंद करो सीपीएलओ एलसीएलओ जिंदाबाद जिंदाबाद सीपीएलओ एलसीएलओ जिंदाबाद जिंदाबाद सीपीएलओ एलसीएलओ जिंदाबाद जिंदाबाद युवाओं का शोषण करना बंद करो युवाओं का शोषण करना ये जितने भी पुरुष साथी हैं कृपया करके थोड़े पीछे हो जाए महिला साथियों को आगे आने दे वो आपसे पीछे रह गए सभी से निवेदन है और थोड़ा खुला खुला ज्यादा भीड़ मत कीजिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की हो रही है जितने भी पुरुष साथी हैं वो पीछे हेलो ये क्या नहीं है साथी जो लाइन में चल रहे हैं पूरे गैप के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ आपकी बातें मीडिया के माध्यम से और जो साथी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखना शुरू कर सकते हैं और जो पीछे साथी है जोरदार आवाज में सीपीएल जिंदाबाद जिंदाबाद सीपीएल एकता जिंदाबाद। देखिए पीछे वाले साथी भाई रे सीपीएल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एलसीएलओ एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो आबाद पूरी करो मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी